खबर छुपी लाइव, आपकी खबर तेजस आए। देश में इस वक्त दो मुद्दों पर सभी की नजर बनी हुई है। पहले देश में फैली महामारी कोरोना, वहीं दूसरा मुद्दा भारत की सीमा में घुसपैठ करने में लगे चाइना की नाकाम कोशिश का। दोनों मुद्दे पर जनता अपनी लगातार नजर बनाए हुए है। बातचीत के दौरान पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आयूब ने देश हित के मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि आज चाइना ने हमारे जमीन पर कब्जा किया है, उसका बदला लेने के लिए सरकार को पूरी तरह से सैन्य तैयारियां कर लेनी चाहिए, साथ ही चाइना से लड़ने की काबिलियत भी बढ़ानी चाहिए। आज देश की जनता को नुकसान पहुंचाने वाले बोलते हैं कि चाइना प्रोडक्ट को हम पाबंदी लगाएं, न प्रयोग करें, पर चाइना में बहुत सामान सस्ते और अच्छे हैं। सरकार को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाना चाहिए, तब हम चाइना से लड़ सकते हैं। चाइना से करीब करीब हम लोग युद्ध की स्थिति में है, और बिल्कुल साफ मैं कहना चाहता हूं कि जो मीडिया से खबरें आ रही हैं, वो ऐसा लगता है कि हमारी जमीन पर चाइना ने कब्जा किया है और हमारे जो सैनिक हैं वो शहीद हुए हैं, तो उसका बदला लेने के लिए और उसको परास्त करने के लिए हमें पूरी तरीके से सैनिक तैयारी करना चाहिए। और हमें जब देख रहे हैं कि दुश्मन पड़ोसी मुल्क है, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को हमें मजबूत करना चाहिए और उसकी जो सामरिक शक्ति है, जो लड़ने की काबिलियत है, उसका मुकाबला करने के लिए हमें अपनी काबिलियत बढ़ानी चाहिए। मगर कुछ देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग, जनता को नुकसान पहुंचाने वाले लोग, वो ये कह रहे हैं कि चाइना के प्रोडक्ट को हम पाबंदी लगा दें, हम न खाएं। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि आज देश की इंडस्ट्री करीब करीब 80% किसी की तरीके से इस देवगन ने जो सामाजिक और पत्रकारिता की और मानवता की सभी हदें उसने पार कर दी। एक जो दुनिया में सबसे आला दर्जे के एक बुजुर्ग को, हस्ती को, जिसकी पूरी दुनिया कदर करती है, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह की, उनको उसने बिना किसी मतलब का आक्रांता और लुटेरा कहलाया। उसे पता नहीं कि आक्रांता लुटेरे का मतलब क्या है। आक्रांता लुटेरा कभी इस देश में बिना मरते नहीं है, इस देश में नहीं। वहीं डॉक्टर आयूब ने बाबा रामदेव द्वारा दवा बनाने के बयान पर बोलते हुए बताया कि इस बीमारी की अभी तक कोई इफेक्टिव दवा नहीं बनी है। कोरोना इन्फ्लुएंजा का दूसरा रूप है, जो भी मेडिसिन है वो उतनी इफेक्टिव नहीं है, वो थोड़ा काम करती है और थोड़ा नहीं करती है। पूरी दुनिया वैक्सीन बनाने में लगी है, अभी तक कोई देश नहीं बना पाया है। अभी रामदेव ने बोला कि उन्होंने कोरोना की मेडिसिन बना ली है, ये सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। रामदेव को नसीहत देते हुए डॉक्टर आयूब ने कहा कि रामदेव को ये काम नहीं करना चाहिए जिससे जनता गुमराह हो। खबर यूपी लाइव के लिए समीर अहमद की रिपोर्ट। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे जानकारी है कि वायरस की बीमारी जितनी भी है, चाहे हेपेटाइटिस हो, एचआईवी हो या इन्फ्लुएंजा हो, और अभी उसी का एक बदला हुआ रूप है वो कोरोना है, तो इस बीमारी में कोई मेडिसिन इफेक्टिव अभी तक नहीं आई है। और जो भी मेडिसिन है वो थोड़ा काम करती है, थोड़ा नहीं काम करती है, मगर बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए इसका वैक्सीन इफेक्टिव होता है। तो पूरी दुनिया वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है, मगर डायरेक्ट मेडिसिन पूरी दुनिया में किसी भी वायरस डिजीज की सही माने में मेडिसिन अभी तक नहीं आया। बट प्रिवेंशन हो रहा है और वो वैक्सीन से होता है, मगर अभी किसी ने बना, कोई कंट्री बना नहीं पाई, मुझे लगता है उसमें भी एक साल लगेगा। अभी हाल ही में रामदेव जी ने ये ऐलान किया है कि उनकी कंपनी पतंजलि ने कोरोना की मेडिसिन बना लिया है। मैं समझता हूं कि उन्हीं का ग्रुप है जो
चाइना के गुड्स का बहिष्कार करने की बात करता है, तो एक ये बिल्कुल एक देश को गुमराह करने वाला है और जनता को भ्रमित करके उनकी नफरत का फायदा, उनकी आस्था का फायदा वो अपने बिजनेस के लिए ले रहे हैं।